अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, वेलकम बैक। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कॉरिडोर सेक्शन पोर्ट एरर सॉल्व। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कॉरिडोर रिपोर्ट नजर आ रही है जिसमें यहाँ पे ये एरर है कि यहाँ पे क्लाउड मैंने बनाया हुआ है। और इसी रिपोर्ट को हम इस तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की वीडियो में यही देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो ये मेरे पास एक कॉरिडोर बना हुआ है, हम इसकी सेक्शन रिपोर्ट चेक कर लेते हैं पहले कि इसमें क्या एरर आता है। एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ पे जो जो पॉइंट मुझे रिक्वायर्ड है मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं 10 मीटर पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ रिपोर्ट को। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0 स्टेशन पे डेटा आया है जबकि 10, 20, 30, 40 पे नहीं आया। उसके बाद ये 50 पे आ गया है और उसके बाद ये 100 पे जाके आ रहा है। जो दरमियान के इसके स्टेशन है वहाँ पे ये डेटा मिसिंग आ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करके देखते हैं कि ये कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने अभी कॉरिडोर को सिलेक्ट किया है। सबसे पहले जो सिंपल सी ऑप्शन है, आपने इसमें क्या करना है, आपने इसकी फ्रिक्वेंसी 10 मीटर कर लेनी है और इसकी रिपोर्ट चेक कर लेनी है कि ये आती है या नहीं आती है। ओके, तो मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। ओके करता हूँ, ये कॉरिडोर रीबिल्ड हो रहा है। कॉरिडोर रीबिल्ड हो गया है। अभी अगर हम इसकी रिपोर्ट लेते हैं तो देखते हैं इसमें एरर आता है कि नहीं आता। ठीक है, इस बार मैं जो है सारे पॉइंट की ही रिपोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ, बार बार सिलेक्शन में टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारी रिपोर्ट में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। तो ये सबसे सिंपल मेथड था इसको सॉल्व करने का। अगर इससे भी नहीं होता आपका, ठीक है, एरर सॉल्व नहीं होता है आपका, तो फिर मैं इसको कॉरिडोर एडिटर में जाता हूँ और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वापस जहाँ पे इसके एरर आ रहा था, ठीक है, मैं उसी पे इसको सेट कर देता हूँ। हो सकता है आप लोगों के पास अलाइनमेंट की लेंथ बहुत ज़्यादा हो और आप इतने छोटे इंटरवल पे इसको क्रिएट ना कर सकें। तो अगर आप क्रिएट किए बगैर इसको सॉल्व करना चाहते हैं या अगर आप फ्रिक्वेंसी कम भी करते हैं और ये सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम वो ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉरिडोर को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे ये जो एड फ्रिक्वेंसी का बटन है आप इसको प्रेस कर लें या इधर कॉरिडोर प्रॉपर्टी में चले जाए और यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी का बटन है, यहाँ पे ये प्लस का बटन है, आपने इसको यूज करना है। तो इसके लिए मैं इसमें जो है कुछ फ्रिक्वेंसी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल में मेरे पास इसके मैं 10-10 मीटर इंटरवल पे मैंने इसके स्टेशन बनाए हैं। मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। ओके, आप कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं कॉरिडोर को सिलेक्ट करता हूँ और एड्रेस फ्रिक्वेंसी पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है तो ये नीचे एडिटर आ गया इसका। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और इसमें आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है, और आपने एंटर प्रेस करना है या राइट क्लिक करनी है। ओके, पेस्ट। ओके, यहाँ पे आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्टेशन वहां हमारे पास एक्सेल में थे 10-10 मीटर इंटरवल के, वो सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये शायद काफी ठीक से नहीं हुए हैं। ओके, मैं इनको दोबारा से करता हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ इधर से। ओके, और यहाँ एक्सेल में इनको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी, और यहाँ मैं सिविल 3D में यहाँ पे क्लोज करता हूँ इसको। एड्रेस फ्रिक्वेंसी के बटन पे आपने आना है और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट करना है और ये प्लस के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ये एड हो जाएगा यहाँ पे ये कर्सर आपका अपीयर हो जाएगा। अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 10 से यहाँ पे आ गया है। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ, कॉरिडोर हमारा रीबिल्ड होना शुरू हो गया है। अभी अगर आप इसकी फ्रिक्वेंसी देखें, ठीक है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी वही 25 मीटर की है। ओके, जो हमने ऐड की जो रखी हुई थी
ओके, अभी हमने इसको 10 10 मीटर किया नहीं है, जस्ट हमने इसमें सेक्शन ऐड किए हैं। ओके, अभी हम इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं कि ये रिपोर्ट ठीक आती है कि नहीं आती। ओके, मैं सेम सारे ही स्टेशन को कर लेता हूँ। ओके, क्रिएट रिपोर्ट। ओके, यहाँ पे रिपोर्ट हमारी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। इसमें मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, जितने भी इसमें कॉरिडोर में पॉइंट है मैंने सबको इसमें ले लिया है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी भी स्टेशन पे कोई मिसिंग नहीं है। तो अगर आप अपने स्मॉल इंटरवल पे कॉरिडोर नहीं भी क्रिएट करते तो ये रिपोर्ट आपकी आ जाएगी। इन केस अगर अभी भी नहीं आती, ठीक है, अगर अभी भी नहीं आती, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉरिडोर को आपने सेलेक्ट करना है, कॉरिडोर को आपने सेलेक्ट करना है, कॉरिडोर एडिटर में जाना है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपने 10 मीटर रख देनी है और ये जो है ये स्टेप भी आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके कॉरिडोर के पॉइंट एक्सेप्ट करने हैं। तो ये कॉरिडोर पॉइंट एक्सेप्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है सिस्टम, तो मैंने इसको ऑलरेडी दूसरी फाइल में सेम कॉरिडोर पे मैंने इसको करके रखा है। ये फाइल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपके कैसे क्रिएट होंगे, आपने जस्ट कॉरिडोर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये जो एक ऑप्शन ये है पॉइंट फ्रॉम कॉरिडोर, तो पॉइंट फ्रॉम कॉरिडोर में जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपने अपने मतलूबा जो भी पॉइंट है, ठीक है, आपने यहाँ से इन सबको एक दफा अनचेक कर देना है और यहाँ पे जो भी सेंटर लाइन और जो जो पॉइंट आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, मेरे पास जो रिक्वायरमेंट थी मैंने उनको ड्रा कर लिया है, ठीक है। दूसरा मेथड आपके पास है ये क्रिएट होम टैब में, क्रिएट ग्राउंड डाटा पैनल जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट की ऑप्शन है यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलती है क्रिएट कोगो पॉइंट फ्रॉम कॉरिडोर। तो अगर आप इससे क्रिएट करेंगे तो आपके जितने भी कॉरिडोर में पॉइंट है वो सारे ही क्रिएट हो जाएंगे, और अगर आप कॉरिडोर को सिलेक्ट करके पॉइंट फ्रॉम कॉरिडोर ऑप्शन से करेंगे तो आप यहाँ आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, जो आपके मतलब पॉइंट है आपके पास है वो ही आएंगे। तो मैंने इनको क्रिएट कर लिया है, ठीक है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप वो भी दे सकते हैं। अभी हमने इन पॉइंट को जो है वो रिपोर्ट में लेना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको दो पॉइंट रिपोर्ट रिक्वायर्ड होंगी, टूल बॉक्स में जाना है आपने और पॉइंट वाली कैटेगरी को आपने एक्सपेंड करना है। यहाँ पे एक आपने जो रिपोर्ट लेनी है वो पॉइंट लिस्ट की है, यहाँ पे आपने इसको अनचेक कर लेना है और यहाँ पे ड्राइंग में आपने इसको पिक कर लेना है, यहाँ से आपने इसको पिक कर लेना है, ओके, और जस्ट ओके करना है, रिपोर्ट हमारी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको एक्स वाई जेड या पॉइंट नाम जो भी है, ठीक है, जो भी जस्ट एक नाम देना है आपने इसको और जस्ट सेव कर देना है आपने। रिपोर्ट हमारी सेव होना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे ये रिपोर्ट आ गई है, ये इसका पाथ आ रहा है। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी हमने दूसरी रिपोर्ट लेनी है, वो हमारी स्टेशन ऑफसेट की रिपोर्ट है। यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आप अगर आपके पास अलाइनमेंट एक से ज्यादा है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने अपना पाथ जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, पाथ ऑलरेडी हमारा आ रहा है, तो इसको मैं स्टेशन ऑफसेट का नाम दे देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। क्रिएट रिपोर्ट, रिपोर्ट हमारी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है, ये रिपोर्ट हमारी स्टेशन ऑफसेट की आ गई है। ओके, अभी सिविल 3D में हमने जितना काम करना था हमने कर लिया, अभी नेक्स्ट हमने एक्सेल में करना है इसको। यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट और यहाँ पे कॉरिडोर, ओके, ये दो रिपोर्ट जो अभी हमने क्रिएट की है, अभी हमने इसको एक्सेल के साथ जो है वो ओपन कर लेना है। ओके, ये एक रिपोर्ट एक्सेल के साथ ओपन होना स्टार्ट हो गई है, दूसरी को भी मैं यहाँ से एक्सेल के साथ ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों रिपोर्ट हमारी ओपन हो गई है। यहाँ पे ये जो स्टेशन ऑफसेट है इसके आप पॉइंट चेक कर लें कि इसमें कितने पॉइंट है, ये 25 है, और यहाँ पे ये जो रिपोर्ट क्रिएट हुई है इसके आप चेक कर लें तो ये भी 25 पॉइंट इसमें क्रिएट हुए हैं। तो इन दोनों को भी हमने मिक्स कर लेना है और अपना मतलूबा फॉर्मेट जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम इससे बना लेंगे। ओके, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया है। ओके, और ये वाले जो हमारे स्टेशन ऑफसेट के पॉइंट है यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है। ओके, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट से मैंने सबको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, कॉपी, और यहाँ पे ये जो स्टेशन ऑफसेट वाला फॉर्मेट है यहाँ पे मैं ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेस्ट वैल्यू, यहाँ पे ये आ गया। आप रैंडम कोई भी पॉइंट चेक कर सकते हैं, जैसे ये 96 है, 96 है, 154 154 है, 173 173, कोई भी आप इसमें जो है पॉइंट वेरीफाई करके देख लें तो ये सारे पॉइंट आपस में बराबर आ रहे हैं।
अभी हमने इसको शॉर्ट करना है। तो ये जो प्रोसीजर है ये आपने ध्यान से देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना आपने, ठीक है। तो पहले हमने इसको एक दो दफा करके देखा है कि ये कैसे होता है, इस दफा मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा। ओके, यहाँ पे हमारे प्लस का जो है साइन इसको हमने रिप्लेस करना है, और यहाँ पे ये जो एम का सिंबल है या टेक्स्ट है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। ओके, क्लोज। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो जीरो के स्टेशन है, ठीक है, ये स्टेशन आप इधर से भी ले सकते हैं, ये वाले स्टेशन जो है, ठीक है, जैसे ये स्टेशन है आप इधर से भी इसको ले सकते हैं, या आपके पास ये जो स्टेशन ऑफसेट में जो आपके पास फर्स्ट सेंटर लाइन के स्टेशन है आपने उनको ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्शन ले रहा हूँ। ओके, यहाँ ये सेंटर लाइन तक हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे नोट पैड में आके मैं इनको कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो यहाँ पे ओके ओके यहाँ पे मैं इनको कॉपी करता हूँ। ओके, अभी एक्सेल में आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। ओके, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन है, यहाँ पे मैं कस्टम सॉर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे आपने एड लेवल कर लेना। ये जो लिस्ट में अभी इसमें मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई सुपर एलिवेशन के स्टेशन है या कोई ज्योमेट्री के स्टेशन है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के, और आपने उनको इसमें स्किप करना है और आपको राउंडिंग 10 10 मीटर पे चाहिए, तो वो आप इजीली इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम है वो स्टेशन का है, यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट का कॉलम है, ऑफसेट के कॉलम को आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही रखना है, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मैं कस्टम लिस्ट यूज करूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ जो हमने नोट पैड से डाटा लिया था। ओके, और जस्ट इसको मैं ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेक्शन वाइज हमारे जो पॉइंट है वो शॉर्ट हो गए। तो यहाँ पे अगर अभी आपको इनमें सेक्शन वाइज आपने इसको डिफरेंस करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ और फिर इक्वल लगा के यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ये ट्रू वैल्यू आ गई है, इसको आपने डबल क्लिक कर देना है, यहाँ कॉलम से आपने इसको सेलेक्ट करके पेस्ट वैल्यू कर देना है। अभी यहाँ पे आपने कंट्रोल एफ करना है और फॉल्स टाइप करना है, फाइंड ऑल करना है। ओके, और यहाँ पे आपने इसको स्क्रॉल करके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको क्लोज करना है, और यहाँ पे आपने फाइल में क्लिक नहीं करना है, जस्ट कंट्रोल और प्लस का बटन दबाना है, और यहाँ पे इंटायर रो जो है आपने कर देना है, और यहाँ पे आपके एक एक जो एम्प्टी रो है हर सेक्शन के बाद आपका जो डाटा है वो शॉर्ट हो गया है, इसको आप जस्ट बॉर्डर लगा दें और आपका डाटा जो है वो रेडी है। तो ये वीडियो था आज का, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा डाटा है आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ओके, पॉइंट नंबर है ये, पॉइंट नंबर आप इसको रीनंबर कर सकते हैं ये एम्प्टी रो ऐड करने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।